उत्तरकाशी में 2022 के चुनाव को लेकर गंगोत्री विधानसभा में बीजेपी ने भ्रमण करना शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में आज भाजपा के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान उत्तरकाशी के पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस पहुंचे, जहां उन्होंने मीडिया से की खास बातचीत में प्रधानमंत्री द्वारा चलाई जा रही योजनाओं को लेकर धारा 370 हटाने, राम मंदिर सहित कई मुद्दों पर बात की। तो वहीं क्षेत्रीय मुद्दों को लेकर भाजपा मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने कांग्रेस पार्टी पर कई आरोप लगाए। एक तरफ जहां चौहान विजय यात्रा को लेकर सरकार द्वारा कराए गए कार्य गिन रहे थे, तो वहीं दूसरी ओर वह मीडिया द्वारा किए गए सवालों के जवाब नहीं दे पाए। प्रदेश के अंदर एक अभियान के तहत हम इस कार्यक्रम के तहत यहाँ आया हूँ और भारतीय पार्टी की चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे प्रदेश की सरकार हो, जो भाजपा कहती है उस कार्य को पूरा करती है। इसी के तहत हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी 4 दिसंबर को देहरादून में एक जनसभा के दौरान उन्होंने पूरी प्रामाणिकता के साथ उनकी हमारी जो डबल इंजन की सरकार है उन्होंने उत्तराखंड के लिए क्या किया परमाणु के साथ उन्होंने जनता के बीच रखा। और इसी के तहत हमारी अभी 18 दिसंबर से विजय संकल्प यात्रा का शुभारंभ किया गया है, जो पूरे प्रदेश के अंदर 4500 किलोमीटर चल करके प्रत्येक विधानसभा के बड़े सभी छोटे बड़े केंद्रों पर जनता के बीच जाएगी। और हमारे प्रदेश के नेता, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी और हमारे प्रदेश के अन्य मंत्रीगण और प्रदेश के अन्य नेतागण जनता को ये बताएंगे कि हमारी सरकार के द्वारा, हमारी डबल इंजन के सरकार के द्वारा प्रदेश के विकास के लिए क्या क्या कार्य किए गए हैं, उसका हम लेखा जोखा देंगे। लेकिन मैं कांग्रेस से ये पूछना चाहता हूँ कि 2002 से लेकर के 2007 तक और 2012 से लेकर के 2017 तक जो कांग्रेस की सरकार थी, उनकी डबल इंजन की सरकार भी केंद्र में और प्रदेश में भी उनकी सरकार थी, उस दौरान उन्होंने प्रदेश के विकास के लिए कौन सी योजनाएं चलाई, एक योजना का नाम वो बता दें कि जिससे पूरे प्रदेश का विकास हुआ हो। मैं सिर्फ इतना प्रश्न उनसे करना चाहता हूँ। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। उत्तराखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरों को जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ।